नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अयोध्या नगरी। तो अयोध्या नगरी पहुंचने के लिए आप बाय प्लेन भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन और उतरे हैं अयोध्या कैंट। तो अयोध्या कैंट के पास मैं आपको बताऊं कि घूमने के लिए 3-4 किलोमीटर के अंदर आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी, जिसमें गुप्तार घाट है, मिलिट्री मंदिर है, कंपनी गार्डन है और भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। और ये सब मंदिर मेन अयोध्या मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। तो हम लोग भी पहुंच गए हैं अयोध्या और चल रहे हैं अयोध्या के कैंट एरिया से। बड़ा ही खूबसूरत एरिया है और पहुंचेंगे, आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे आज हम जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं अयोध्या। तो अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, ये तो हम सभी जानते हैं। और आज हम जिस जगह पर हैं, इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसे कहते हैं गुप्तार घाट। गुप्तार घाट इसलिए कहा गया था क्योंकि भगवान श्री राम यहीं उन्होंने जल समाधि ली थी और यहीं वो गुप्त हो गए थे, इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा गुप्तार घाट। तो यही सरयू नदी में श्री राम जी ने जल समाधि ली थी और यहीं से बैकुंठ गए थे। उसी जगह पर यहाँ जो धरती पर कहेंगे श्री राम जी के आखिरी चरण जो पड़े थे, वो बिल्कुल गुप्तार घाट के सामने मंदिर है। अभी आपको मंदिर ले जाएंगे और वहाँ श्री राम जी के चरण आपको दिखाएंगे। तो यहाँ जब हम मंदिर के अंदर चले तो हमने यहाँ पंडित जी से बात भी की कि आखिर इन मंदिर की पौराणिक कथा क्या है और इतनी मान्यता क्यों है। ये भगवान श्री राम की चरण पादुका है। और आपका शुभ नाम? राजू दास। ये तो चरण पादुका भगवान विष्णु जी के हैं। भगवान राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भगवान विष्णु जी यहाँ पे गुप्त रूप में तपस्या किए थे। तो अब ये जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, ये राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ मंदिर है, उनका बनाया हुआ चरण पादुका है। अच्छा, तो ये भगवान विष्णु जी की चरण पादुका यहाँ पर है। उसके साथ ही आप गुप्तार घाट के पास आप बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं और आपको यहां आकर बहुत अच्छा लगेगा, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि यहीं से एक युग जो है श्री राम जी का वो समाप्त हुआ था और उनकी जो आभा कहेंगे, उनकी जो आभा मंडल है वो आज भी यहां विराजमान है। मंदिर क्या मान्यता है जी मंदिर? इस मंदिर का जो है यहाँ का दो महात्मा हैं। इसका अयोध्या में राम जी से पहले सप्तहरी हैं, सुने हुए आप सब नाम इनका। यहाँ पर जो है गुप्तहरी चक्रहरी है, अयोध्या पूरा मिलाकर सात हरी हैं, जो इस प्रकार नाम है उनके, गुप्तहरी चक्रहरी हैं, चंद्रहरी, बिलहरी है, धर्महरी, पुण्यहरी है, विष्णुहरी है, ये सात हरी हैं जो राम जी से पहले के हैं। गुप्तहरी चक्रहरी जी के बारे में स्कंद पुराण अयोध्या महात्मा वैष्णव खंड में लिखा है। तीर्थम तदनंतर श्रेष्ठ गो प्रताराधिता महात्मा विष्णु स्थानांचर नाम में गुप्त है। तीर्थ में श्रेष्ठ गो प्रतार नामक तीर्थ जहाँ भगवान विष्णु यहाँ पर जो है गुप्त रूप से निवास करते हैं। स्कंद पुराण में दिए हैं, जब देवासु संग्राम हुआ, राक्षस जो है बर पानी के उद्मत से जब सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिए, उस युद्ध में सभी देवता हार गए, उनका राजपार्श्व सभी राक्षस ले लिए। जब देवता इधर उधर भागने लगे, भगवान शंकर ने सभी देवताओं को रोका, उनका अगुआ बनकर उन सभी को लेकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी सभी देवता अपना अगुआ बनाकर भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहाँ पर गए तो भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी जो है भगवान के चरणों के समीप बैठकर उनके चरणों की सेवा कर रही थी। नारद जी ऋषियों के साथ भगवान का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुण जी भगवान के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। जब सभी देवता भगवान की स्तुति किए, तब भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए, अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए, क्योंकि आप सबका राजपाट स्वर्ग सब चला गया, आप सब बलहीन तेजहीन इसलिए चला गया। स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए बल की वृद्धि, तेज की वृद्धि, इसके लिए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मिल तो लोग अयोध्या क्षेत्र में आप सबके बल वृद्धि का तप का अनुष्ठान करूँगा, तपस्या करूँगा, तभी आप सब जो है विजयी होंगे। देवताओं से कहा कि आप लोग भी जो है अयोध्या क्षेत्र में गुप्त रूप से तपस्या करें। ऐसा उपाय बताकर भगवान विष्णु जब वैकुंठ धाम से अंतर्ध्यान हुए तो यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। नीचे जब भगवान विष्णु यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उनके हाथ से सुदर्शन चक्र यहाँ गिर गया था। नीचे भगवान चरण चिन्ह यहाँ है जो भगवान विष्णु गुप्त रूप में तप करने लगे।
तप करते हुए जब बहुत दिन बीता, इनके प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल अपार तेज हुआ। पुनः सभी देवता युद्ध किए, उस युद्ध में सभी देवता विजयी हुए। अपना स्वर्गार सभी देवताओं को प्राप्त हुआ। स्वर्गार प्राप्त करने के बाद सभी देवता भगवान का दर्शन करने, उनका धन्यवाद देने, अपने गुरु बृहस्पति जी की अगुवाई में जब सभी देवता यहाँ पर आए तो भगवान विष्णु तप ही कर रहे थे। उनकी स्तुति किए तो भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने जो उपाय बताए थे उसके आधार पर हम सभी देवताओं को स्वर्गार की प्राप्ति हुई है। यह बात भगवान विष्णु सुने तो उनको प्रसन्नता हुई। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप सबकी क्या इच्छा है, जो इच्छा हो वर मांगो। तो सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सबकी इच्छा है कि हम सबके रक्षा और बल वृद्धि के लिए आप यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करें। तब भगवान विष्णु कहा कि तथास्तु। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र गिर गया था वह संसार में चक्रहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मैं यहाँ गुप्त रूप में तप किया है वह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उनको मनवांछित फल मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से निवास करने लगे। यहाँ का महात्म कार्तिक में है। कार्तिक में बाहर जब आप अंदर आए तो वहाँ एक पत्थर लिखा है, गुप्तहरि चक्रहरि कार्तिक। कार्तिक में तीर्थों के राजा प्रयाग तीर्थों के साथ आते हैं, कहते हैं चलो गोप्रतार, गर्जना करते हुए आते हैं। यहाँ पर आते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो है पूजा पाठ करते हैं। एक माह कार्तिक भर वास करते हैं। त्रेता युग आया, भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्ष राज किए। परम धाम को जाना हो पहले माता सीता, फिर लक्ष्मण जी, सभी पुत्रों का राम जी ने राज्याभिषेक। चारों भाइयों के बीच में 8 पुत्र थे, सभी को राम जी ने राज्याभिषेक। सभी लोग कहे प्रभु, हम भी आपके साथ में चलेंगे। लेकिन राम जी ने अयोध्या में 5 लोगों को रोका, हनुमान जी, जामोन, विभीषण, दुबित, महेंद्र। शेष जितने थे सभी को लेकर राम जी प्रजाओं के साथ, भरतों साथ में थे, प्रजाओं के साथ राम जी प्रजा यहाँ पर आए। जब यहाँ पर आए गोप्रतार नामक तीर्थ पर, उस समय सरजू जी का जो जल था वो बहुत ज़्यादा था। सरजू जी में जो जल घूमता है उसको भंवर, उसको देखते हुए राम जी एक उत्तम स्थान पर आए, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उत्तम स्थान वही जहाँ भगवान विष्णु यहाँ निवास करते हैं। जब राम जी प्रजा के साथ यहाँ पर आए, उसी समय आकाशमंडल में ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ करोड़ों विमानों के साथ उपस्थित हो गए थे। सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता, अपार खुशी हुई कि प्रभु अपने धाम के लिए जा रहे हैं। जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ था वह कार्य अब पूर्ण हो गया है, अब अपने धाम के लिए जा रहे हैं। सभी देवता मिलकर जो है भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा की, भगवान की स्तुति की। सभी देवता अपराय मिलकर जो है नृत्य गान के नाचे गए, खुशियाँ बनाए, एक बहुत बड़ा उत्सव मनाए। उसी समय 3 प्रकार की वायु बहने लगी, सुगंधित वायु, मंद वायु, शीतल वायु। राम जी अपना चरण चिन्ह यहाँ पर छोड़े आगे बढ़े, सरजू जी के जल को स्पर्श किया। आकाशमंडल में ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ उपस्थित थे। ब्रह्मा जी बोले कि हे कपुश नंदन भगवान श्री राम, आपको अपने परम धाम आने का स्वागत है। आप चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में आप जाना चाहें उस स्वरूप में आप प्रवेश करें। यदि आप अपने वैष्णव स्वरूप में जाना चाहते हैं तो आप अपने भाइयों के साथ वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करें। राम जी भाइयों के साथ भरत शत्रुघ्न के साथ सासरी विष्णु रूप में हुए। राम जी अपने मूल रूप, राम जी का शरीर का त्याग नहीं, राम जी अपने मूल रूप में आए। फिर राम जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, ये सब जितने अयोध्या वासी हैं सब मेरे भक्त हैं, अपना सुख संपदा सबको त्याग कर इसने हुआ से मेरे पीछे पीछे चले आए हैं, इनके लिए भी ना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको कहीं आप रहने का स्थान दें। तब ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, जो जो देवताओं से, गंधर्वों से, यक्षों से जिनकी उत्पत्ति हुई थी वो सब अपने उसी अंश में विलीन हो जाएंगे, जो ऐसे उनको हम अपने ब्रह्मलोक के आगे संतानक लोक है उसी लोक में सभी को रहने का स्थान देंगे। अयोध्या कोई नहीं बचा, पूरी अयोध्या सूनी हो गई। पशु पक्षी पर्वत अस्थवर जीव जंगम जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म अदृश्य जीव सब राम जी के साथ चले आए थे। अब यहाँ पर जो है सभी जो लोग जो है राम जी का नाम लेकर उनका चिंतन करते हुए सभी लोग सरजू में गोता लगे। अब जो है सभी लोग सहज शरीर त्याग दिए, हर्ष से खुशियों के साथ शरीर त्यागे। जो दिव्य शरीर हुआ क्योंकि मोक्ष मिल गया देव रूप में, वही जाकर विमान पर बैठते गए। उसके बाद राम जी का वाहन गरुण जी आए, राम जी अपने वाहन पर बैठे और अपने परम धाम निज धाम को सभी को लेकर राम जी यहाँ से चले गए। बोलो सिया बोल राम चंद्र की जय। दोस्तों अभी जो हमने आपसे बताया था कि बाहर यहाँ प्रभु श्री राम के आखिरी चरण पड़े थे, तो पर अंदर आने के बाद पंडित जी ने हमें बताया कि श्री राम जी से पहले यानी कि जब भगवान विष्णु जी ने यहाँ तप किया था तो ये भगवान विष्णु जी के चरण हैं। श्री राम जी ने इन चरणों को देखते हुए यहीं से अपनी बैकुंठ की यात्रा शुरू करी थी।
भगवान श्री राम की कुल देवी हैं आपने बताया। ये माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल वाली मैया रानी हैं, और ये शिवलिंग है कि भगवान राम जी गुप्त होने से पहले भोले बाबा का पूजा करके उनसे विदा लेके अयोध्या वासियों को साथ लेकर जब राम जी सरयू जी में गए तो राम जी चेंज हो गए, बदल गए, भगवान विष्णु रूप हो गए। विष्णु रूप हो गए भगवान, तब यहाँ से गुप्त हो गए, इसलिए यहाँ का नाम गुप्तार है। तो इसी घाट पर यहीं पर होती है शाम की आरती। आप शाम को यहाँ पर आकर खूबसूरत सी आरती भी देख सकते हैं, और उसके अलावा दर्शन तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको पता है जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को, यानी कि उनके जो छोटे भाई थे, सबसे प्रिय थे, उनको जब उन्होंने मृत्यु दंड दिया था, उसके बाद में उनका जीवन अजीब सा हो गया था। उसके बाद उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया, और तब वो यहाँ आए थे, क्योंकि एक भाई को अपने आप से दूर करना एक तरीके से उनके कहना था कि उनके प्राण तो ऑलरेडी चले गए हैं, तो वो यहाँ पर आकर जल समाधि लेकर यहाँ से वैकुंठ गए थे। दोस्तों, गुप्तार घाट के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं इस वक्त राम की पैड़ी और मेन जो वहाँ पर लाइट शो होता है वो देखने के लिए। तो आप भी यहाँ से बहुत नॉर्मली यहाँ से रिक्शा मिल जाता है, रिक्शे वाला आपसे 100-150 रुपए चार्ज करेगा और वो आपको आधा घंटे के अंदर वहाँ उतार देगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर और समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारी शॉप हैं, आप यहाँ खाना भी खा सकते हैं, और यहाँ का कहते हैं कि प्याज की भुजिया बहुत फेमस है। तो अगर आप आएँ यहाँ पर तो समय निकाल के आएँ और आराम से यहाँ पर शाम को बिताइए, क्योंकि यहाँ पे आपको शाम को आरती भी देखने को मिलेगी और भी यहाँ का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको। इसके साथ में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर बोटिंग के भी मिलेगी ऑप्शन, यहाँ पर आप नौका विहार भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर शाम को आए हैं और हमें अभी यहाँ से चले जाएं राम की पैड़ी, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा लाइट शो होता है जो आपको दिखाएंगे हम अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।